che così grande e tutto di marmo, tutto bianco, non pensavo può fare da marmo così tanto grande. ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ कोई ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। दोस्तों, मुझे अभी पता चला कि इनको थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी आती है, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। पंजाबी आती है? पोको पोको ठीक थोड़ी थोड़ी पोको पोको। की हाल है? ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसकी छत की दीवारों पर सूरह यासीन लिखी गई है। बड़ी मेहनत, बड़ी खूबसूरती और बड़ी एहतियात के साथ ये इसके गुम्बद हैं, और मैं मस्जिद पाक वीगा शरीफ की छत पर मौजूद हूँ। दोस्तों, जब आप लाहौर की तरफ से आते हैं तो चनाब पहले आपका इस्तकबाल करता है, और फिर हम एक ऐसे शहर में दाखिल हो जाते हैं जो शुजा लोगों का शहर है, दलेरों का, बहादुरों का शहर है। जी, अज़ीज़ भट्टी शहीद का ताल्लुक भी गुजरात से था। मुझे ज़िंदगी के अंदर इस पतन को पार करने के लिए कच्चे नहीं, पक्के घड़े की ज़रूरत है। यही दरिया था, इसी की बेकरार लहरें थीं जिनको पक्के घड़े पर सोनी रात के वक्त पार करके महिवाल से मिलने के लिए जाती थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, कारिब मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार इफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ चनाब के किनारे। दोस्तों, टाल प्लाजा क्रॉस करने के बाद ये पुल है, और जब इस पुल पे हम पहुँचते हैं तो फिर ये चनाब हमारा इस्तकबाल करता है। और इस चनाब के पुल को क्रॉस करने के बाद हम जिस शहर में दाखिल होते हैं वो है गुजरात। जी हाँ, गुजरात शेर दलेरों का शहर है। यहाँ के रहने वाले बड़े मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले हैं, लेकिन वतन अजीज़ पर और वतन की नामूस पर कुर्बान होने वाले लोग हैं। इसी मिट्टी से ताल्लुक़ है अज़ीज़ भट्टी शहीद का। जी हाँ, और एक मोहब्बत करने वाले जोड़े का ताल्लुक भी यहीं से है। जी हाँ, सोनी महिवाल। यही दरिया था, इसी की बेकरार लहरें थीं जिनको पक्के घड़े पर सोनी रात के वक्त पार करके महिवाल से मिलने के लिए जाती थी। लेकिन फिर एक बार कच्चा घड़ा उसकी किस्मत में आया और वो डूब गई। दोस्तों, दो प्यार करने वाले जुदा हो गए। सोनी महिवाल की कहानी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आपने वो गाना ज़रूर सुना होगा, लंग आजा पतन चनादा यार, लंग आजा पतन चनादा। ये जो पतन आप देख रहे हैं, जिस तरह दरिया का ये जो पार्ट है, इसको पार करना पक्के घड़े का तो काम था, लेकिन कच्चे का नहीं था। इसी तरह इफ्तिखारिफी, अगर तुम ज़िंदगी में शॉर्टकट मारोगे और तुम्हारा जो है पेंडा भी लंबा होगा, पाट लंबा होगा दरिया का, और तुम्हारे पास घड़ा होगा कच्चा, तो तुम भी उसी तरह डूब जाओगे जैसे सोनी डूबी थी। और सोनी महिवाल की कहानी भी बात करेंगे, गुजरात के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन गुजरात के मेरे बड़े दो अच्छे दोस्त हैं, एक आसिम नदीम साहब, बहुत अच्छे शायर हैं, यूके में होते हैं, नॉटिंगम में, और गुजरात से ही ताल्लुक़ रखने वाले मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है अज़हर शाही। अज़हर शाही जर्मनी के शहर सैले में होते हैं, तो वो भी मुझे बड़े याद है जब मैं यहाँ आया हूँ उनके शहर में, और दोनों जिए सलामत रहें। तो दोस्तों, गुजरात शहर एक बड़ा तारीखी शहर है, और इसकी तारीख़ में ही बात करेंगे, इसके कुछ हिस्से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुजरात के हवाले से मैं आपको बताऊं कि यहाँ के लोग इतने दलेर हैं कि डंकियाँ भी मार लेते हैं, और फिर बाहर के यूरोप के मुल्कों में जाके वतन अज़ीज़ के लिए ज़र मुबादला भेजते हैं। और मेरा ख़्याल है कि मुझ जैसा बंदा जो रावी के उस पार रहता है, वो डंकी मारने का सोचेगा भी नहीं। लेकिन एक बात तारीख़ी हवाले से बड़ी साबित है कि जैसे ही आप चनाब को क्रॉस करते हैं तो आगे जितना इलाका है वो सारा बड़े दलेर लोगों का इलाका है। गुजरात के लोग पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब तो गुजरात में बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग चुकी है, पंखे बनते हैं, मशीनें बनती हैं, यहाँ पर बर्तन बनते हैं चीनी के, और यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं। तो आए इस शहर के अंदर चलते हैं और थोड़ा सा इस शहर का तारुफ़ आपको पेश करते हैं। पाकिस्तान का सूबा गुजरात, जिसकी आज तीन तहसीलें हैं, गुजरात, खारियाँ और सराय आलमगीर, जबकि इसके इर्द गिर्द बहुत से मशहूर खित्ते ज़मीन मौजूद हैं, जिनमें गुरदासपुर, जम्मू, भिंबर, मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा और सियालकोट शामिल हैं। कहा जाता है कि ये शहर
640 قبل مسیح میں بھی موجود تھا، مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 640 سال پہلے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو گجرات 2483 سال پہلے بھی آباد تھا۔ بلے بلے، مجھے ذاتی طور پر گجراتیوں کی وہ سیوا بہت اچھی لگتی ہے جو یہاں کے راجہ پورس نے سکندر یونانی کی کی تھی۔ سکندر اعظم دنیا بھر کو فتح کرنے کا خواب لے کر سکندریہ سے چلا تھا، مگر جہلم کے قریب پہنچ کر راجہ پورس کی فوجوں نے اس کثرتی پہلوان ضدی لونڈے کی وہ درگت بنائی کہ یونانی فوجیں جوتیاں، ہاتھی اور سکندر اعظم کو چھوڑ کر 9-2-11 ہو گئیں۔ دوستو، یہ قصہ بھی بہت پرانا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 300 سال پہلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ راجہ پورس ہارا تھا، مگر میری تحقیق کہتی ہے کہ سکندر ہارا تھا۔ خیر، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو لے جا رہا ہوں ایک ایسی مسجد دکھانے جسے دیکھ کر آپ نہ صرف خوش ہو جائیں گے بلکہ یہ جان کر حیران اور پریشان بھی ہوں گے کہ گجرات کی یہ مسجد کو دیکھنے کے لیے سال بھر 40 لاکھ سے زیادہ لوگ آتے ہیں۔ ادھر تک بمبی آ گئی ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ ایک فوٹو چاہیے تھی آپ مجھے جانتے ہو؟ ہاں جی، یہ آپ کا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، آپ کو بلاگ چیک کرتا ہوں روز۔ چلے آگے آگے کہیں رکتے ہیں، آ جائیں۔ دوستو، میں گجرات آیا تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی خوبصورت، حسین و جمیل اور ایک یونیک مسجد دکھاتا ہوں جو میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں، لیکن یہ مسجد کسی شہنشاہ، کسی بادشاہ، کسی نواب نے نہیں بنائی بلکہ ایک اللہ والے نے بنائی ہے۔ تو میرے پیچھے آپ مسجد کا نام پڑھ رہے ہیں، تو آئیں میں آپ کو وہ مسجد دکھاتا ہوں اور آپ اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ مسجد میں داخلے کا راستہ ہے اور یہ خادمین ہے۔ السلام علیکم جی، کی حال ہے؟ اور یہ ہے خوبصورت، حسین و جمیل مسجد جو سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے، اور سورج کی روشنی کی وجہ سے اینگل ایسا بنا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ مسجد دکھانے اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں جا رہا تھا پنڈی، تو میں نے سوچا کہ آپ کو میں یہ مسجد دکھاتا ہوں۔ دوستو، اس مسجد کا کیونکہ کام جاری ہے تو سنگ مرمر کی کٹائی کے لیے یہیں پر مشینیں لگا دی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، سنگ مرمر کے بڑے بڑے پتھر ہیں یہاں، جن کو یہیں پر تراشا جاتا ہے اور پھر اس مسجد میں لگا دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ دیکھیں، یہاں پر ورک شاپ ہے، یہ دیکھیے، اور یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ پڑا ہے پتھر سنگ مرمر کا، اور یہیں پر کٹنگ ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں ایسے یہاں پر کٹنگ ہوتی ہے، اور پھر یہیں پر اس کو تراش کے مسجد کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کٹر ایسے اس کو کاٹتا ہے پتھر کو۔ یہ دیکھیے، بہت بڑی ورک شاپ ہے۔ دوستو، یہ دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت مسجد میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی، لیکن اب پھر آپ کو دکھاؤں گا۔ دوستو، یہ دیکھیں، سنگ مرمر کی دلہن۔ مسجد تو ہوتی خوبصورت، متبرک اور مقدس ہے، لیکن یہ دیکھیں کتنی حسین و جمیل مسجد ہے، اور یہ کسی شہنشاہ نے، کسی بادشاہ نے نہیں بنائی، یہ ایک بڑے نیک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، انہوں نے بنائی۔ اور یہ دیکھیے کتنی خوبصورت مسجد ہے یہ۔ یہ اس کا داخلی راستہ، یہ دیکھیے، واہ 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 واہ، دین سے محبت کی ایسی خوبصورت یادگار میں نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور یقیناً آپ بھی حیران ہوں گے۔ اس کی دیواروں پر قرآن کی آیات لکھی گئی ہیں، اور یہ دیکھیے کیا
क्या हसीन और जमील खूबसूरत मस्जिद है। और इसके अंदर चलते हैं जी, इसके अंदर ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम है और मर्दों के लिए भी। और ये देखें, ये देखिए क्या हसीन और जमील खूबसूरत मस्जिद है दोस्तों। हर जगह संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है और कुरानी आयात लिखी हुई है। ये देखिए सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, क्या कहने क्या कहने। किसी बादशाह ने, किसी नवाब ने, किसी अमीर कबीर ने ये मस्जिद नहीं बनाई, एक डॉक्टर साहब ने बनाई है दोस्तों। पाक बीघा ये मस्जिद तामीरात का एक हसीन तरीन नमूना है। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आने के बाद जहाँ मुझे अज़र शाही साहब याद आ रहे हैं जर्मनी से, और यूके से आसिम नदीम शायर याद आ रहे हैं, वहाँ मुझे राना नईम साहब भी याद आ रहे हैं जिनका ताल्लुक गुजरात से और बड़े खूबसूरत आदमी हैं, इटली में रहते हैं। तो ये वो मस्जिद है जो डॉक्टर साहब ने बनवाई, और इस मस्जिद की तामीर में बहुत पैसा लगा, लेकिन उस पैसे से ज़्यादा वो मोहब्बत शामिल है जो डॉक्टर साहब के दिल में थी। आए दोस्तों इस मुकद्दस मस्जिद की तामीर और तारीख बारे कुछ बात करते हैं। डॉक्टर फर्रुख हफीज़ जो कि माहिर अमराज चश्म थे, उन्होंने इस खूबसूरत मस्जिद को तामीर करवाया था। डॉक्टर फर्रुख हफीज़ साहब की ज़ेरे हिदायत और ज़ेरे निगरानी ये शाहकार मस्जिद तामीर की गई, जो आज इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनती जा रही है। आए इसकी मुकम्मल तारीख पर बात करते हैं और फिर इसकी छत पर भी चलेंगे, जहां एक बहुत दिलचस्प तहरीर भी दिखाऊंगा आपको। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम एक ऐसे जोड़े से बात करेंगे जो आया तो इटली से है, लड़का पाकिस्तानी है लेकिन उसकी बेगम इटालियन है, वो इस मस्जिद के बारे में क्या कहती है। हम इस मस्जिद की छत से इर्द गिर्द का नज़ारा भी करेंगे, मगर क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो अगली किस्त का इंतज़ार फरमाइए।